दोस्तों, सत्र 2023-24 में SSC का लगभग लगभग 80-90% रिजल्ट आ चुका है। अलग अलग डोमेन में कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन हो पाया। बड़ी संख्या में वो बच्चे हैं जो इस साल पास नहीं हो पाए, उनका SSC में सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब वो बच्चे दुखी हैं, उनके पेरेंट्स भी परेशान हैं बच्चों के साथ। साथ ही कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अलग अलग दो तीन डोमेन में फॉर्म भरा था, लेकिन उनका सिलेक्शन उस डोमेन में नहीं हो पाया जिसमें वो चाहते थे, जो उनका अपना सपना था। साथ में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका वही वाला डोमेन जिसमें वो चाहते थे नाम भी आ गया, बट उनका कैंपस बड़ी दूर है, जो स्कूल अलॉट किया वो बड़ी दूर है। तो अब ऐसे में वो पेरेंट्स, वो स्टूडेंट अपने बच्चों का अपना वो एडमिशन नहीं करा रहे क्योंकि डोमेन दूर है, आना जाना कैसे करेंगे। कुछ ऐसे भी बच्चों के मेरे पास मैसेज आए हैं, बहुत सारे बच्चों के, जिनका कहना है कि सर बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत की, जी तोड़ मेहनत की, उम्मीद भी थी, एक होप भी था कि 100% हो जाएगा, क्योंकि ऐसी मेहनत की थी बच्चों ने, नहीं हो पाया, इसलिए भी दुखी हैं। साथ में पेरेंट्स बात नहीं कर रहे बच्चों से, पेरेंट्स का जो रिएक्शन है बच्चों के साथ, क्योंकि सिलेक्शन नहीं हो पाया तो पेरेंट्स भी दुखी हैं, परेशान हैं, तो सारी भड़ास निकाल रहे बच्चों के ऊपर। ओवरऑल आपके मन में पेरेंट्स एज ए स्टूडेंट एक सवाल तो बना हुआ है कि इस साल अगर आपका सिलेक्शन SSC में नहीं हुआ, आप SSC में ज्वाइन नहीं हो पाए, तो आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या बेस्ट सॉल्यूशन है। इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें, बिना कमेंट किए सारे डाउट आपके क्लियर जरूर होंगे। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में, मैं हूं आपके साथ आशीष सर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर भी आपके साथ सारी अपडेट लगातार आती रहेंगी और आप हमेशा मोटिवेटेड रहें। देखिए क्या करना चाहिए आपको, क्या सही रहेगा आपके लिए और क्या बेस्ट ऑप्शन है, इससे पहले मैं कुछ फैक्ट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इस साल जो चौंकाने वाला आंकड़ा था वो ये था कि लगभग 96,000 के करीब फॉर्म डाले गए, जो बड़ी संख्या थी, मतलब 1,00,000 के करीब फॉर्म भरे गए इस साल सभी डोमेन में। लेकिन सीटें कितनी थी पता है आपको? सिर्फ 4,400 के करीब, 4,000, मतलब 4,000-5,000 बच्चों का ही तो सिलेक्शन हो पाएगा। बाकी जो बचे हुए बच्चे हैं, मतलब जो एक बड़ी संख्या है, लगभग 93,000 के करीब बच्चे तो बाहर हो गए। तो आप ये मान के चलिए कि सीटें जितनी होती है ना, सिलेक्शन तो उतनी ही बच्चों को मिल पाता है। अब यहाँ पर एक मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव भी सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया ये एक अलग मैटर है, बट आपको ये भी सोचना चाहिए साथ में कि वो कौन से बच्चे होंगे जिनका वो 4,400 में नाम आया, मतलब कुछ तो बात होगी उनमें, ज़रूर कुछ कमी रह गई होगी हमारी तैयारी में, हमारी पढ़ाई में, या हमारे गाइडेंस में, हमें सही से गाइडेंस नहीं मिला, हमें तैयारी नहीं कर पाए, हमें ये नहीं पता चला कि कहाँ से पढ़ना है, तो जो भी कुछ रहा हो, लेकिन यार सिलेक्शन ओवरऑल तो सिर्फ 44 का ही हुआ है। तो क्या हम बाकी बच्चों को नालायक समझें, बाकी बच्चों को बेकार समझें हम? क्योंकि पेरेंट्स का बच्चों से नाराज़ होना, पेरेंट्स का बच्चों को ताने मारना, जो रिश्तेदार भी होते हैं, भैया आपका बेटा पढ़ता नहीं था, आपकी बेटी मस्ती करती थी, मुझे तो यही लगता था इसका नहीं हो पाएगा, इसका कभी नहीं हो, मतलब यार क्या है ये? पेरेंट्स भी ना, हमारे पेरेंट्स को, जो रिश्तेदार हैं, सॉरी रिश्तेदार भी हमारे पेरेंट्स को, पेरेंट्स के मन में थोड़ी बहुत तो रहती है नाराज़गी, क्योंकि भाई आपने हो सकता है पढ़ते टाइम मोबाइल चला लिया हो, या आपने ज़्यादा ध्यान ना दिया हो, पेरेंट्स ने आपको फोर्स किया हो, लेकिन नहीं हो पाया हो, पेरेंट्स तो नाराज़ होंगे, बट यार रिश्तेदार
मतलब कुछ भी। ज़्यादातर दुखी ये रिश्तेदार ही करते हैं जो जीना हराम कर देते हैं। कुछ अड़ोस पड़ोसी वाले मतलब बचा खुचा काम कर देते हैं, अरे ये तो देखो मैंने कहा था, घूमती रहती है, रात रात भर मोबाइल चलाता है, कैसे नंबर आएगा, कैसे पढ़ पाएंगे, फलाने की बेटी देखो, फलाने का बेटा देखो। अरे यार ये ना कंपैरिजन बेकार है। दुख हुआ है हमें, नहीं हो पाया, अब क्या करें, क्या करें, मतलब मर जाएं क्या, ऐसा तो नहीं होगा ना। मैं आपको एक क्लियर फैक्ट आपको मैं शो करना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा कि SOSC क्या है। एक लिमिटेड चीज़ है, अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो वो नॉर्मल स्कूल को भी SOSC से बढ़िया बना सकता है। बच्चा स्कूल जाता है, सारी चीज़ें स्कूल में ही नहीं पढ़ाई होती है, कुछ वो ट्यूशन में पढ़ता है, कुछ वो सोशल मीडिया से पढ़ता है, कुछ उसे घर में उसके पेरेंट्स का एनवायरनमेंट मिलता है, तो इन सारी चीज़ों को मिला करके बच्चा अपना रिजल्ट बनाता है। तो मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो भाई सिलेक्शन सिर्फ मतलब क्या लगता है आपको, फ्यूचर सिर्फ SOSC का ही है क्या? करियर में सफल सिर्फ SOSC वाले होंगे, मतलब जितने डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जितने जॉब्स हैं, वो सारे SOSC वालों के लिए? यही लग रहा है ना आपको, पेरेंट्स को भी यही लग रहा है कि तू तो कहीं के लायक नहीं है, तेरे बस की कुछ नहीं है। यार मैं पेरेंट्स से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को डीमोटिवेट ना करें। एज ए स्टूडेंट आप कभी भी डीमोटिवेट ना हो। ठीक है, जो बच्चा दौड़ रहा है, जो बच्चा उठ करके चल रहा है, वही तो गिरेगा ना। आपका बच्चा उन बच्चों में से अच्छा है जो सोए पड़े हैं। एक बड़ी संख्या में वो भी बच्चे हैं जिन तक SOSC की इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंची, जिन्होंने SOSC का एग्ज़ाम ही नहीं दिया, जिन्होंने SOSC के बारे में ना समझा, ना जाना, ना पहचाना। एटलीस्ट आप अच्छे हो, आपके पास वो इन्फॉर्मेशन आई, आपने अपना फॉर्म भरा और आपने टेस्ट दिया, नहीं हो पाया वो एक अलग मैटर करता है। लेकिन क्या सब कुछ SOSC है? ऐसा नहीं है। आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है वहाँ से भी आपका नाम रोशन करेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो सरकारी स्कूल से नीट और JEE क्वालिफाई कर रहे हैं। पिछले साल एक स्कूल से 11 बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया, बड़ी मतलब तारीफ वाली बात है। दिल्ली सरकार का गवर्नमेंट स्कूल है और प्राउड फील वाली बात है दिल्ली सरकार के लिए भी कि उस स्कूल के लिए भी कि ऐसे बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे थे। तो क्या लगता है आपको सिर्फ SOSC में पढ़ने वाले ही नीट क्वालिफाई करेंगे, जो JEE क्वालिफाई करेंगे? ऐसा नहीं है। करियर आपके पास हर जगह है, ऑप्शन आपके पास हर जगह है। SOSC में नहीं हुआ तो नहीं हुआ, SOSC से बेटर हम अपने लिए एनवायरनमेंट जहाँ हम पढ़ रहे हैं वहाँ क्रिएट करेंगे एंड प्रूव कर देंगे कि अगर हमारा सिलेक्शन SOSC में नहीं हो पाया, चाहे रीज़न जो भी रहा हो, हम SOSC से बेटर अपना फ्यूचर बनाएंगे। और जब टक्कर में जाएंगे तो हमारा जो पलड़ा है ना वो SOSC से ऊपर होगा। बस आप कसम खाइए, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ से आपकी तैयारी शुरू होती है, यहाँ से आपने अपनी मेहनत शुरू करनी है और ये करके दिखाना है कि जितने बच्चे SOSC में पढ़ रहे हैं 44,000, उनसे कई अच्छा आपको अपना करियर, अपना फ्यूचर, अपनी पढ़ाई को बनाना है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप में से कितने बच्चे कसम खाने वाले हैं कि आप SOSC से और अच्छा अपना करियर करने वाले हैं, अपनी पढ़ाई को बनाने वाले हैं। यस यार, मैंने आपको मोटिवेट करने की कोशिश की है क्योंकि यही सच्चाई है। जो चीज़ हमें नहीं मिल पाई, अगर हम उसके बारे में बार बार सोचते रहेंगे तो वो चीज़ हमें मिलेगी नहीं, लेकिन हाँ हमें दुखी ज़रूर हो जाएंगे। रही बात अगर वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप वेटिंग लिस्ट का भी वेट ना करें, क्योंकि वेटिंग लिस्ट 5% शायद आ जाए लेकिन 90% नहीं आएगा। तो इसी आशा के साथ आप आगे बढ़िए कि जो नहीं मिला वो भूल जाइए, अब जो आपको चाहिए वो मिल करके रहेगा। कहते ना कि बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुदी ले, यानी कि जो बीत गया उसे बिसार दो, आगे की आपको सुदी लेनी है, क्योंकि यही सच है।
इसी तरह से आपको सारी अपडेट लगातार मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उन 90,000 बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। जय हिंद।